कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर का जो कत्ल हुआ है उसमें भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। G20 कॉन्फ्रेंस में भी हरदीप सिंह के कत्ल का मामला उठाया है। कैनेडियन पुलिस का ये कहना है एक नौजवान को गोलियों का निशाना बनाया गया था, दो निकाबपोश अफराद आए और हरदीप सिंह निजर मरने वाले का नाम बताया गया है। तो नाज़रीन हरदीप के कत्ल को कनाडा में बसने वाली सिख कम्युनिटी ने एक सियासी कत्ल करार दिया है। कनाडा ने जो एक बड़ा स्टेप लिया है, भारत का जो एम्बेसडर था, भारत का जो सफीर था कनाडा में, उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीलोक सेंट्रल के साथ मैं हूँ मोहम्मद उसामा। आज नाज़रीन मैं बात करूँगा भारत और कनाडा में जारी कशीदगी के हवाले से, क्योंकि दोनों जानिब से गर्मा गर्म बयानात आने का सिलसिला जारी है। जस्टिन ट्रूडो के हालिया बयान ने तो यूँ कहिए कि आग लगा दी है, क्योंकि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर का जो कत्ल हुआ है उसमें भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। और इस हवाले से जो गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह निजर की मौत में भारतीय हुकूमत का जो नेक्सस है इसको एक्सपोज किया है, इसकी निशानदेही की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द किलिंग ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन हरदीप सिंह निजर। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हरदीप सिंह निजर के जो कत्ल का मामला है, हरदीप सिंह क्योंकि कैनेडियन नेशनल थे और कैनेडियन नेशनल होने के साथ साथ वो वहाँ पर मौजूद सिख कम्युनिटी के एक रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते थे। तो जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि उन्होंने हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में इंडिया में हुई है, इंडिया ने उसकी मेज़बानी की है, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत इंडिया में आए थे और जस्टिन ट्रूडो भी वहाँ पर पहुँचे थे। और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना है कि G20 कॉन्फ्रेंस में भी मैंने नरेंद्र मोदी साहब के साथ हरदीप सिंह के कत्ल का मामला उठाया है और ये नरेंद्र मोदी साहब को आगाह किया गया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से। अगर कैनेडियन पुलिस की बात की जाए तो कैनेडियन पुलिस का ये कहना है कि 18 जून 2023 यानी इसी बरस 18 जून को एक शाम के वक्त एक नौजवान को गोलियों का निशाना बनाया गया था, दो निकाबपोश अफराद आए, उन्होंने एक शख्स को गोलियों का निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी और एक जिस पर फायरिंग की गई उसको फायरिंग इतनी ज़्यादा की कि गोलियों से छलनी हो गया वो शख्स। और जब मरने वाले शख्स की शनाख्त की गई तो कैनेडियन पुलिस ने इस शख्स की शनाख्त की है कि ये गुरुद्वारे का सदर है और हरदीप सिंह निजर मरने वाले का नाम बताया गया है। तो यूँ कैनेडियन पुलिस ने शनाख्त की हरदीप सिंह निजर की कि हरदीप सिंह निजर गोलियां लगने वाला शख्स है। कनाडा की सिख बिरादरी की अगर बात की जाए तो कनाडा में जो लोग कनाडा को थोड़ा समझते हैं वो जानते हैं कि सिख बिरादरी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। कनाडा में सिख काफ़ी की पोजीशंस पर भी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं सिख कनाडा में, खुसूसन अगर खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं उनकी बात की जाए तो कनाडा में और ओवरऑल इंटरनेशनली खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं। तो नाज़रीन हरदीप के कत्ल को कनाडा में बसने वाली सिख कम्युनिटी ने एक सियासी कत्ल करार दिया है। और जब हरदीप सिंह की शनाख्त हो गई कि हरदीप सिंह का मर्डर हो गया है तो हरदीप के कत्ल के बाद टोरंटो में, वैंकूवर में, लंदन में, इवन कई शहरों में सिख बरादरी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और ये प्रोटेस्ट किसी और के ख़िलाफ़ नहीं था, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ था, भारत के ख़िलाफ़। ये दुनिया भर के कई शहरों में ये प्रोटेस्ट किए गए थे। और अगर सिख रहनुमाओं के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि गम गुस्सा तो उन पर पाया जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो हरदीप सिंह का कत्ल है, जो हरदीप सिंह का मर्डर है, इसका बराह रास्त इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत पर, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज पर आयद कर रहे हैं। और सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद आने के बाद कनाडा ने जो एक बड़ा स्टेप लिया है, इंटरनेशनली इसे बड़ा हाइप मिल रही है इस इनिशिएटिव को। कनाडा ने भारत का जो एम्बेसडर था, भारत का जो सफीर था कनाडा में, उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। और इंडिया को ये बात बड़ी बुरी लगी है कि हमारी तो दुनिया भर में जंग हंसाई हुई है कि हमारे एम्बेसडर को बेदखल कर दिया गया है, मुल्क छोड़ने का हुक्म कनाडा की जानिब से दे दिया गया है। और आपको मैं नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि कुछ रोज़ कबल कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने भारत का एक हंगामी दौरा किया था और स्पेशली ये हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से अपने काउंटर पार्ट से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्हें कुछ शवाहिद भी दिए गए थे। इत्तलात ऐसी आ रही हैं इंटरनेशनल जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि कैनेडियन खुफिया एजेंसी के सरबराह ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट को इस हवाले से आगाह भी कर दिया था। खालिस्तान के हामियों की बात की जाए,
खालिस्तान तहरीक के हामियों की बात की जाए तो खालिस्तान के हामियों ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम बराह रास्त, किसी दूसरे का नाम नहीं है, बराह रास्त उन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाया है ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज पर आयद कर दिया गया है। और कशीदगी की बात की जाए तो दोनों मुल्कों में इस वक्त सिफारती कशीदगी अपने अरूज पर है। इंडिया ने भी अब अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है, अपना वॉल्यूम दिखाना है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है और अपनी ज़ाहिर साख भी बचानी है, तो इंडिया ने भी जवाब दिया सिफारती तौर पर। और इंडिया ने भी जो कैनेडा का सीनियर सिफारतकार जो इंडिया में मौजूद था उसे भी मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया और उसे भी कहा कि आप इंडिया को छोड़ दें। अगर नाज़रीन मैं आपको बताऊं, जो कत्ल होने वाले सिख रहनुमाए हरदीप सिंह निज्जर, 45 साल इनकी उम्र थी और इंडिया में कुछ मुकदमात में मतलूब थे, जायज़ नाजायज़ ये तो अभी चीज़ सामने नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल हरदीप सिंह इंडिया में खासे कुछ मुकदमात इन पर दर्ज थे और उन मुकदमात में मतलूब थे, क्योंकि फोकस इंडिया का ज़ाहिर है, इंडियन गवर्नमेंट का यही है कि जो भी अलहदगी की बात करता है वहाँ पे ख़ासतौर पर जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं, जब भी खालिस्तान तहरीक एक्टिव होती है उनके कुछ सरकर्दा रहनुमाओं के नाम भी ज़ाहिर हिट लिस्ट पे इनके होते हैं, तो इंडिया की जो मगरबी रियासत है पंजाब में एक अलहदा सिख रियासत के हामी थे हरदीप सिंह निज्जर, और दुनिया भर में इसकी हिमायत करते भी नज़र आते थे और अमूमन जो ऑनलाइन रेफरेंडम्स होते थे हरदीप सिंह निज्जर उसमें भी खासे पेश नज़र आते थे, खासे एक्टिव नज़र आते थे। और निज़र के हवाले से मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ तो निज़र आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए एक तहरीक भी चला रहे थे और जुलाई 2020 में इंडिया ने उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया तो किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे तो उस पर तो कोई चेक नहीं है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी भी आँखें बंद कर लेती है, तो इंडिया ने ये जो कत्ल हुए हैं सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज़र इन्हें भी दहशतगर्द सन 2020 में करार दे दिया था और उनके सर पे इनामी रकम भी रखी थी, 10 लाख रुपए की इनामी रकम हरदीप सिंह निज्जर पर रखी गई थी कि हरदीप सिंह निज्जर को जो भी ले आएगा, पकड़ कर ले आएगा, उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें दहशतगर्द वांटेड, मुख्तसर मैं आपको बताऊं तो वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया था। भारत के ये जो इल्ज़ाम थे दहशतगर्द डिक्लेयर करने के और मुल्क तोड़ने के जो इल्ज़ाम थे, निज्जर उन्हें मुस्तरद कर चुका था अपनी ज़िंदगी में ही, हरदीप सिंह उनको डिनाई कर चुका था और हरदीप सिंह का ये आर्गुमेंट था कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए कनाडा में आया है और हरदीप सिंह वहाँ पे प्लम्बिंग का काम करते थे। सिखों की तंजीम है वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम ने जो मीडिया को बताया है, इस तंजीम ने भी मीडिया को ये बताया कि हरदीप को कैनेडियन इंटेलिजेंस ने भी आगाह किया था कि आपकी जान को खतरात लाहक हैं और वो जो थ्रेट अलर्ट्स थे, जो रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त साबित हुई और हरदीप सिंह को कत्ल कर दिया गया। बिलाखिर इंडिया का ये जो बदनुमा चेहरा है, इंडिया एक्सपोज होता जा रहा है रोज़ बरोज़, और ये जो अभी हरदीप सिंह का मर्डर कनाडा में करवाया है, जो कि अब कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, कोई छोटे लेवल पे, निचले लेवल पे कोई ये बंदा बात नहीं कर रहा, ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिनकी दुनिया भर में एक बड़ी पहचान है, लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके कामों के हवाले से, लोगों में बड़ी पजीराई है, उनकी एक अपनाइयत है, चाहे आप स्टेट टू स्टेट बात करें या पब्लिक में बात करें, तो जस्टिन ट्रूडो की एक अपनी पहचान है, वो अपनाइयत का एक एलिमेंट बैरल जस्टिन ट्रूडो के लिए हर मुल्क में रखा जाता है। तो ट्रूडो की जानिब से जब ये बयान सामने आया कि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी के इसमें मुलव्वस होने के हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो उसके बाद ये जो एक हलचल मची है, अब देखना ये कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस किस साइड पर लेके जाता है, अमेरिका कनाडा का साथ देता है इस पे या भारत की तरफ आता है, ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। अभी तक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, ऐसी कोई वाइट हाउस की जानिब से, फॉरेन ऑफिस की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने तो नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस किस साइड पर रखता है, कनाडा की साइड पर या इंडिया की साइड पर। इस हवाले से सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के हवाले से जो भी कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगा। वीलॉग सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।